ये कहानी सिकंदरपुर गांव के पास के एक जंगल की है, जहां पे कई महीने पहले भारी बारिश और बाढ़ की वजह से जंगल के पक्षियों को बहुत मुसीबत और परेशानियों से गुजरना पड़ा। बाढ़ के प्रकोप से जंगल में कई विपदा आ पड़ी थी। कई पक्षियों के घर बाढ़ में बह चुके थे। खाने का कमी, कई पेड़ पूरी तरह से टूट गए थे। जहां सबसे ज़्यादा आपदा आई थी वो है टुनियों के घरों पे। किसी के घर पानी में बह गए थे तो किसी के टूट गए थे। वही जंगल में तीन टुनी रहा करते थे, प्यारी टुनी, लाल टुनी और नीली टुनी। ये तीनों टुनी दोस्त हुआ करते हैं। इन तीनों टुनी का जंगल में बारिश और बाढ़ से सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था। एक दिन तीनों टुनी जंगल के पास में एक जगह में मिलके बातें करने लगे। प्यारी टुनी, जंगल में अब मेरा घर नहीं रहा। कई महीनों के मेहनत से ये घर को मैंने बनाया था, जो आज मैंने खो दिया। लाल टुनी, दोस्तों बाढ़ मेरा सब कुछ बहा ले गया। मेरा अब कुछ भी नहीं बचा है। मेरी छोटी सी बच्ची को भयानक बाढ़ से मैं नहीं बचा पाई। जंगल में घर ना होने पे और खाने का कमी से टुनियों का परेशानियां बढ़ गए थी। बाढ़ से टुनियों का जिंदगी में तबाही आ गया था। तीनों दोस्त सोचने लगी, खाना पानी रहने का जगह बच्चे कुछ नहीं रहा। तीनों टुनी सोची अब वो ये जंगल में नहीं रहेंगे। ये सोचकर तीनों टुनी दूसरे जंगल की ओर उड़ने लगी। कालू कौवा ने टुनियों का सारी बातें सुन ली थी और कहा, मुझे ये बातें मुखिया जी को बताना चाहिए। ये कहकर कालू कौवा मुखिया जी के पास गए। मुखिया जी, मुखिया जी। क्या हुआ कालू कौवा, इतनी जल्दबाजी में क्यों हो? मुखिया जी, आज मैंने टुनियों को जंगल छोड़ के जाते हुए देखा। कालू कौवा मुखिया जी को सारी बातें बता देता है। मुखिया जी गुस्से में कालू कौवा को कहता है, कालू कौवा, अगर तुम्हारा बात गलत साबित हुआ तो तुम्हें बहुत बड़ी सजा मिलेगा। ठीक है मुखिया जी, आप मेरे साथ चलिए। ठीक है कालू कौवा, चूंकि तुम कालू कौवा के साथ जाओ और देखो ये सच कह रहा है कि नहीं। कालू कौवा और झुमकी टुनियों के पास जाते हैं। मैंने क्या सुना है टुनियों, तुम जंगल छोड़कर जा रही हो? प्यारी टुनी कहती है, हाँ झुमकी, हम लोग ये जंगल छोड़कर जा रहे हैं। अब हम लोग के लिए जंगल में कुछ भी नहीं बचा है। ठीक है टुनियों, तुम्हारी जो जमीता है मुखिया जी से कहना, मुखिया जी ने तुम लोग को बुलाया है। वो लोग मुखिया जी के पास चले आते हैं। कालू कौवा कहता है, मुखिया जी पूछिए टुनिया से, मैं क्या गलत कह रहा था, ये लोग जंगल छोड़ के नहीं जा रही है। क्या समस्या है टुनिया, तुम लोग जंगल छोड़कर क्यों जा रही हो? टुनिया अपनी पूरी बात मुखिया जी से कह देती है। टुनियों का बात सुन के मुखिया जी थोड़ी देर सोचने लगते हैं, फिर कहते हैं, जंगल के सारे पक्षियों को बुलाया जाए, मुझे उनसे बात करनी है। ये काम कालू कौवा को सौंपा जाता है और कालू कौवा जंगल के हर पक्षियों के पास जाकर संदेश देते हैं जो मुखिया जी ने उनको बुलाया है। मुखिया जी का निर्देश मान के हर पक्षियां चले आते हैं। फिर मुखिया जी कहते हैं, मैं आपको इसलिए बुलाया हूँ, टुनियों का कहना है बाढ़ और बारिश की वजह से उनके पास रहने का घर नहीं रहा। क्या आप लोग को भी ये समस्या है? हाँ मुखिया जी, हमारी भी यही समस्या है। ठीक है, अगर जंगल का सारे पक्षियों का यही समस्या है तो इसका समाधान मुझे करना पड़ेगा। हर पक्षियों को पंचायत की तरफ से घर बना दिया जाएगा। ये सुनकर जंगल का हर पक्षिया खुश हो गए और मुखिया का शुक्रिया अदा करने लगे। रुको, पहले पूरी बात सुन लो।
सभी पक्षियों के परिचय पत्र में आधार कार्ड बनाने पड़ेंगे। आधार कार्ड का बात सुनकर सारी पंछियां चौंक गए। प्यारी टूनी कहती है, हम लोग आधार कार्ड कैसे बनाएंगे मुखिया जी? जंगल में आधार ऑफिस खोला गया है, कल सुबह वहाँ जाने से आधार कार्ड बन जाएंगे। जो जो पक्षियां आधार कार्ड बनाएंगे केवल उस पक्षियों को पंचायत के तरफ से घर बना दिया जाएगा। सारे पंछियां मुखिया जी के बात सुनकर अगले दिन जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगले दिन वैसा ही हुआ, सारे पंछियां पहुंच गए आधार कार्ड बनाने के लिए। सब पंछियां अपने अपने आधार कार्ड बनाने लगे। दिन का अंत तक ये काम चलता रहा, कई दिनों तक ये काम चलता रहा। ऐसे कर कुछ दिनों में सब पंछियों का आधार कार्ड बन गया। सारे टूनी को अपने अपने आधार कार्ड को दे दिए। उसके बाद आया मुखिया जी का वादे का बात। मुखिया जी अपने वादे के अनुसार, तुम मेरा खास आदमी हो, तुम्हें मैं बहुत विश्वास करता हूँ। मैं चाहता हूँ जंगल के हर पक्षियों का घर बनाने का जिम्मेदारी तुम लो और हर पक्षी अपना सही से घर बना ले, ये पूरा जांच पड़ताल तुमसे हो। मुखिया जी का आदेश अनुसार उसका खास आदमी जंगल में हर पक्षियों का घर कैसे बन रहा है वो देखने के लिए जंगल के हर पक्षियों के पास गया। मुखिया जी का खास आदमी एक एक कर जंगल के सारे पक्षियों के घर गए, उनसे मिलकर बात किए और घर भी देखे। सारे पक्षियों का घर बन चुका था और वो ये संदेश लेकर थोड़ी देर में मुखिया जी के पास चलने लगे। पंछियों का घर सही से बन चुका है ये बात मुखिया जी को बता दिए। उसके बाद मुखिया जी ने जंगल के सारे पंछियों को बुलाया और कहा, जंगल के हर पक्षियों का घर बन चुका है, और कोई समस्या है, अगर जंगल के किसी पक्षियों का कोई समस्या है तो पहले बताए, जंगल छोड़ के ना जाए। टूनियों को और जंगल छोड़ के जाने का जरूरत नहीं पड़ा। फिर सारी पक्षियां जंगल में खुशी से रहने लगे। तो बच्चों, कैसा लगा ये कहानी? चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबा दें। ऐसे अच्छे अच्छे नए नए कहानियां हम लोग लाते रहेंगे।